नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमिता। मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया दो चटनियां लेके आई हूँ जो साउथ इंडियन डिशेस के साथ खाई जाती हैं, स्पाइसी टोमेटो चटनी और नारियल की चटनी की रेसिपी। अब वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो बनानी बहुत आसान है और बनती बहुत टेस्टी है। और चलिए मैं उसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट कर डालिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे रेसिपी डालते ही। और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी टोमेटो चटनी बनाने के लिए हम इसको तीन स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, अराउंड एक टेबल स्पून चने की दाल, एक टेबल स्पून सफ़ेद उड़द की दाल और देखिए चार से पांच रेड चिली, स्पाइसी रेड चिली लेंगे। और इनको ज़्यादा नहीं करना, इतना रोस्ट कर लेना है हल्के से स्लो फ्लेम पे। इसको फिर हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है, महीन पेस्ट बनाना है। तो इसको हम दो से तीन मिनट स्लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इनको दो से तीन मिनट अराउंड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। अब इसको भी हम इसके साथ भी एक मिनट दो मिनट और भून लेंगे, स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। चलिए हम इसको अराउंड एक मिनट अच्छे से कंटिन्यूसली आप हिलाते रहिएगा, आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ ना जलाना है ना ज़्यादा ब्राउन करना है, बस इतना करना है कि ये अच्छे से भुन जाए और अच्छे से पीस जाए ये सब चीज़ें। तो बस एक मिनट हम इसको केवल करेंगे। एक मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है, इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में महीन पेस्ट पीस लेना है हमें इसका, अच्छे से महीन। तो चलिए अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हम पीस लेते हैं। कि मैंने इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में कर लिया है, देखिए बिल्कुल महीन पेस्ट बन गया अच्छे से। तो अब हम इसको साइड में रख लेंगे और चलिए हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे पहले देखिए मैं एक टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। आप ऑयल आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, आप देसी घी रिफाइंड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो डालेंगे। उसमें एक मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे काट के, जैसे भी आप काट दीजिए, छः पाँच से छः सात अराउंड साइज पे। गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे इसमें, एक बार इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसको स्टर कर लेना है थोड़ा सा हल्का सा, कि प्याज जो है वो हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाए हल्के से। हमारे प्याज एक मिनट अच्छे से हो गए, इसके बाद देखिए थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए प्याज। इसके बाद हम इसमें तीन से चार टोमेटोज डाल देंगे। अगर टोमेटो का साइज मीडियम है तो चार डाल देंगे, बड़े हैं तो तीन डालेंगे। अब इसके बाद इसको भी अच्छे से स्टिर करेंगे और इसको भी हमने गलाना है। एक मिनट तो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे एक मिनट तक, मीडियम फ्लेम पे करना है इसको। ये हमने एक मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लिया घी में टमाटर को भी। उसके बाद देखिए अब इसकी स्किन सॉफ्ट होने लग गई है, इस टाइम पे हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। ये 1/4 कप, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसको कवर करके केवल 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। गरम में मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलाना, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मसाला उछल के बाहर को आता है। तो इसको ठंडा कर लेंगे, अदर अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम चलिए इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से महीन पेस्ट पीस लेते हैं। इसको हमने जार में डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से महीन पेस्ट बना लेते हैं, पीस लेते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने महीन पेस्ट बना लिया, अच्छे से पीस लिया है। पानी मैंने बॉईल करते समय ही डाला था जब टमाटर को हम गला रहे थे, तो और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने करना क्या है, ये जो हमने ड्राई स्पाइसेस पीस के रखे हुए थे इस बड़े वाले मिक्सर कंटेनर में डाल देंगे जार में, और इनको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसको हम फिर एक बार मिक्सर ग्राइंडर अच्छे से चला लेते हैं। कि अब हमने ड्राई स्पाइसेस को और टमाटर वगैरह को हमने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ दोबारा चला लिया है, और देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट।
चलिए अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं। उसका उसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप है वो भी हम कर लेते हैं। इसको निकाल लिया बाउल में, अब इसमें हमने डालना है स्पून, तो अराउंड 1/4 टीस्पून ना सॉल्ट डालेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक वैसे सॉल्ट टू टेस्ट होता है आपको पता ही है, बस ज़्यादा 1/4 स्पून डाल के मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हम इसका तड़का भी बना लेते हैं। बनाने के लिए हमने वही पैन यूज़ कर लेंगे जिसमें हमने मसाला किया था, उसमें 1/2 टीस्पून घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद अराउंड 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे राई, 8 से 10 एक कड़ी पत्ता लीव्स, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से भून लेंगे, 1 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस तड़के को चटनी के ऊपर चलिए डाल देते हैं। अब हम ये तड़का इसमें डाल देते हैं ऊपर से अच्छे से। ये देखिए तड़का डाल दिया और ये इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स मेरी स्पाइसी टोमेटो चटनी बिल्कुल रेडी हो गई खाने के लिए। इसको आप किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सब चीज़ों के साथ ये बहुत यम्मी लगती है, बिल्कुल फटाफट और बनती भी फटाफट है। ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए, ना ज़्यादा मेहनत है, और अगर आप डोसे के साथ इडली के साथ ये चटनी भी बना लें तो इसका मज़ा ही बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारी स्पाइसी टोमेटो चटनी तो बन गई, अब आती है गोले की चटनी की बारी। तो उसके बगैर तो साउथ इंडियन पूरा हो ही नहीं सकता, दोनों चटनियों का अपना अलग अलग ही मज़ा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गोले की चटनी कैसे बनानी है। गोले की चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने 1/2 कप गोला लिया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, 1/2 कप हरा धनिया है, 1/4 to 1/2 कप कर्ड लेना है। आपको कितनी थिक बनानी है उस पर डिपेंड करता है, अगर काफ़ी थिक सी चटनी बनानी है तो 1/4 कप कर्ड यूज़ करिएगा दही, नहीं तो फिर 1/2 कप लग जाएगा। 10 से 12 करी लीव्स डाली हुई है, मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत स्पाइसी हो तो 2 मिर्चें बहुत होंगी। 1 टेबल स्पून अराउंड रोस्टेड पीनट डाला है मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर कोई सॉल्टेड पीनट वगैरह किसी नमकीन है हल्दीराम की कोई भी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं चटनी। बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में सारी चीज़ों को, ये देखिए हम गोला डाल देंगे, हम ये हरा धनिया डाल देंगे, हम ये करी लीव्स डाल देंगे, ग्रीन चिलीज डाल देंगे, आप ये रोस्टेड पीनट डाल देंगे, और कर्ड अभी पूरा नहीं, अभी आधा ही यूज़ करेंगे हम, बाकी जितनी ज़रूरत होगी उतना करेंगे यूज़। और बाकी अगर आपके पास पीनट्स नहीं है तो आप चने की दाल भी 1 टेबल स्पून भून के डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने डालना है एक चीज़ बचा, हमारा 1/2 टीस्पून अराउंड सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेते हैं। मैंने चटनी पीसी है तो वो उसको मेरे को लग रहा है अभी और ज़रूरत है, मैं पानी तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह मैं बचा हुआ देखिए दही भी इसमें वापस डाल देती हूँ बचा हुआ सारा। अब हम फिर से इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लेते हैं, मैंने सारा दही यूज़ कर लिया है। चटनी बहुत अच्छे से पिस गई है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका आप देख सकते हैं। चलिए इसको किसी बर्तन में बाउल में निकाल लें। चटनी को मैंने बाउल में डाल दिया है, ये देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए, ना मैंने बहुत पतली बनाई है ना बहुत गाढ़ी है, बिल्कुल सही है। अगर आपको इसको लग रहा है थोड़ा पतला करना है तो दही फेंट के 1 चम्मच आप इसमें दही ऐड कर लीजिए, पानी मत ऐड करिएगा, दही एक अच्छा सा फ्लेवर दे देता है चटनी को और हल्की सी खटास देता है, खट्टा दही मत यूज़ करिएगा ज़्यादा। चलिए अब हम इसको, दोनों चटनियाँ हमारी बन गई हैं, अब इस वाली चटनी का बचा है तड़का, तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं, तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए 1/4 टीस्पून हम डालेंगे, 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे, और डाल देंगे 2 हरी मिर्चें, और 2 लाल मिर्चें डाली मैंने, अब ये 2 हरी मिर्चें डाली मैंने, और ये डाल दूंगी 5 से 6 कड़ी पत्ता, और इसको अच्छे से हम हिला देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे स्लो फ्लेम पे करेंगे कि हरी मिर्च थोड़ा सा अच्छे से घुल जाए, बस इतना करेंगे कि जब देखिए राई ऊपर आने लग जाती है तो ऐसे कर सकते। अब हम इसको बंद कर देंगे, गरम तेल में ही पड़ा रहने देंगे 1 सेकंड के लिए,
उसके बाद हम चटनी पर डालेंगे। तड़का बन गया, अब इसको हम डाल देते हैं चटनी के ऊपर। ये देखिए, इसमें जो हरी मिर्च जलाई है उसका फ्लेवर, लाल मिर्च उसका फ्लेवर आ जाता है चटनी में पूरा। और ये देखिए, अब आज फटाफट साउथ इंडियन बनाइए। मैंने तो आज बनाया है डोसा, उसके साथ ये चटनी है बनाई है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लूँ। तो चलिए, ये हमारी दोनों चटनियाँ बन के तैयार हो गई हैं, और चलिए मैं दोनों चटनियाँ आप सर्व कर देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, हमारी स्पाइसी टोमेटो चटनी और नारियल की चटनी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप भी फटाफट इडली बनाइए, बड़ा बनाइए, डोसा बनाइए, उसके साथ ये चटनियाँ बनाइए, और बहुत ही मज़ा आ जाता है, आपका साउथ इंडियन का टेस्ट दुगना हो जाता है। और बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी, और अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।